हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ सुनील भारद्वाज। आई एम द फैकल्टी ऑफिस। टुडे आई विल डिस्कस विद यू वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि SHM क्या है। लेकिन SHM पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो इसके अंदर हम यूज करते हैं। जैसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन यूज करते हैं, और उससे भी पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पीरियोडिक मोशन क्या है और टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं सबसे पहले पीरियोडिक मोशन के बारे में। किसकी मैं बात कर रहा हूं? पीरियोडिक मोशन। तो बात ये आती है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक मोशन? ठीक है, तो मैं पीरियोडिक मोशन की मैं बात करता हूँ। व्हाट इज़ द डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? एनी मोशन दैट रिपीट्स इट्सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन इट्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या बोलेंगे इसको? पीरियोडिक मोशन। ध्यान से देख लें, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एनी मोशन दैट रिपीट्स इट्सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन इट्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। क्या कह देंगे हम उसको? पीरियोडिक मोशन कह देंगे। आपने देखा होगा कोई भी वेव्स के बारे में आपने पढ़ा, तो हमारे पास में इस तरीके से क्या होती है? वेव होती है। क्या होती है बेटा? वेव होती है। ये क्या चीज़ है? वेव है। तो अगर मैं बात करता हूँ, हर एक पीरियड क्या चीज़ है? ये एक पीरियड हो गया, दिस इज़ द हाफ साइकिल और ये टोटल क्या चीज़ है? कंप्लीट साइकिल है। तो मैं ये कह सकता हूँ जीरो, ये हमारे टी और ये टू टी, तो इस तरीके से है। तो ये हमारे पास में कंप्लीट साइकिल इस तरीके से रहेगा, दिस इज़ द पीरियड वन पीरियड, और ये हमारे पास में टाइम, जो हमारे पास में टोटल टाइम है वो कहाँ तक है? यहाँ तक है। ठीक है, और ये टाइम के साथ में क्या करती है? मूव करती है, मतलब ओमेगा। ये क्या चीज़ है? ओमेगा क्या चीज़ है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। क्या चीज़ है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। उसके बाद मैं अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो, ठीक है, इसको हमने कह दिया इस तरीके से। अगर मैं ये कहता हूँ और भी इसको कहते हैं हार्मोनिक मोशन। क्या कहते हैं? हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं इसके बाद में सेकंड जो बात करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ पीरियोडिक टाइम की बात कर रहा हूँ। क्या चीज़ है? पीरियोडिक टाइम कि व्हाट इज़ द पीरियोडिक टाइम, कि हमारे पास में पीरियोडिक टाइम क्या होता है। तो मैं इसके केस के में बात कहना चाहता हूँ, द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। क्या चीज़ है? रिपीटेड इज नोन एज क्या बोलेंगे? पीरियोडिक टाइम। क्या कह देंगे बेटा? पीरियोडिक टाइम कह देंगे। देखिए, आपने देखा ये वेव इस तरीके से आई और एक कंप्लीट पीरियड इसने क्या काम किया? यहाँ पे किया, दिस इज़ द पीरियोडिक टाइम, फिर वापस में गई, फिर हमारे पास में टूटी गई। ऐसे ही क्या होगी? हमारे पास में चलती जाएगी। इस तरीके की मोशन को, इस तरीके के क्या कहेंगे? टाइम पीरियड को कहेंगे पीरियोडिक टाइम कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पीरियोडिक टाइम कहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, एग्जाम्पल
कि आपको पता कैसे चला कि हमारे पास में किस तरीके के हमारे पास में क्या होंगे, एग्जाम्पल होंगे। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप, तो मैं इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल क्या है, द मोशन एट एनी प्लेनेट, द मोशन एट एनी प्लेनेट, प्लेनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ये कहता है द मोशन एट एनी प्लेनेट अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्या है, पेरियोडिक। पेरियोडिक किसकी है, कि हमारे पास में द मोशन एट एनी प्लेनेट, मैं किसी भी प्लेनेट की गति की मैं बात करूं, अराउंड द सन इज एन इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करता है, वो मूव करता है। तो जब वो किसी भी, जैसे कोई भी ग्रह किसी सन के चारों तरफ मूव करता है, तो उसका एक चक्कर क्या रहेगा, क्या कहलाएगा, एक चक्कर कहलाएगा उसका पेरियोडिक। ठीक है, क्या वो कहलाएगा, पेरियोडिक। अगर मैं इसकी मैं बात कर सकूँ, द पेरियो, द पेरियोडिक रिवॉल्यूशन, द पेरियोडिक रिवॉल्यूशन ऑफ मरकरी, ऑफ मरकरी इज 87.97 डेज। तो इतने में वो क्या करता है, सन का एक चक्कर लगाती है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी मैं बात करता हूँ तो। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल आपको करा देता हूँ जिससे आपको ये ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, कि एक पेरियोडिक मोशन क्या है। आप सोलर सिस्टम भी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, सोलर सिस्टम भी इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टडी भी कर सकते हो, क्योंकि वहीं से हम इनके रिवॉल्यूशन के बारे में पता करते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू, अगर मैं बात करता हूँ, किसकी मैं बात करता हूँ, द मोशन ऑफ द मून। ठीक है, क्या कहता हूँ, द मोशन ऑफ द मून, मून अराउंड द अर्थ इज पेरियोडिक, पेरियोडिक। ठीक है, ओके। तो अगर मैं इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो इट्स टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज 27.3 डेज। क्या रहेगा इसका, 27.3 डेज। ये हमारे पास में किसका रहेगा, द टाइम पीरियड ऑफ मून। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, द टाइम पीरियड ऑफ द मून की अगर मैं बात करूँ। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, थर्ड एग्जांपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मैं बात करता हूँ, द हार्ट बीट्स ऑफ अ ह्यूमन, हार्ट बीट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पेरियोडिक, बीइंग आर पेरियोडिक। ठीक है, किसकी मैं बात करता हूँ, पेरियोडिक। द हार्ट बीट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर पेरियोडिक। जो हम ह्यूमन की हार्ट बीट्स रहती है वो भी क्या है, एक पीरियड की फॉर्म में क्या करती है, मूव करती है। द पेरियोडिक टाइम, द पेरियोडिक टाइम, द पेरियोडिक टाइम इज अबाउट, अबाउट 0.8, किसका रहेगा हमारे पास में, सेकेंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन। क्या चीज़ रहेगा, फॉर अ नॉर्मल पर्सन,
फॉर अ नॉर्मल पर्सन. द हार्ट बीट ऑफ अ ह्यूमन बींग आर पेरियोडिक. द पेरियोडिक टाइम इज अबाउट 0.8 सेकेंड फॉर अ नॉर्मल पर्सन. ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेरियोडिक मोशन, जिसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या रहती है, या हार्मोनिक मोशन क्या रहती है, या पेरियोडिक टाइम क्या होता है. दीज आर द एग्जाम्पल. अगर मैं और बात करूँ आपसे, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्या चीज है? सिंपल हार्मोनिक मोशन. नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास में जो इसका है सिंपल हार्मोनिक मोशन. किसकी मैं बात करता हूँ? सिंपल हार्मोनिक मोशन. ये हमारे पास में होती क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? क्या इसकी इक्वेशन आती है? तो इस केस में देखिएगा कि हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है. अब मैं इसकी इक्वेशन बताता हूँ आपको क्या होती है. पहले इसकी जनरल इक्वेशन बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं आपको कराऊंगा कि डिफरेंशियल फॉर्म में क्या रहता है, जिससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं, जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर हम उस इक्वेशन से बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कहता है अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, फ्रो एफ आर ओ, अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजिशन, मेन पोजिशन. ठीक है, ये कह दिया पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ मेन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग फोर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान देना. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, displacement about the mean position, mean position, and always acts in the direction of ऑफ मेन पोजिशन, मेन पोजिशन. भाई इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है, ठीक है. ये कहता है एन एक्ट्स इन द डायरेक्शन या टूवर्ड्स द डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मेन पोजिशन. ये कहता है अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव करता है, बैक एंड फोर्थ पोजिशन पर क्या करता है, मूव करता है टू एंड फ्रो, ठीक है, टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ क्या? रीस्टोरिंग फोर्स. एक हमारे पास में क्या लगता है? रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के. ये चीज़ आपको क्या करनी है? याद रखनी है कि किस डायरेक्शन में वो हमारे पास में लगता है. तो ये कह रहा है वो रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के. ये आपको याद रखना है. तो रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास में क्या होता है? दिस इज द एफ इज द रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स. ये इक्वेशन आपको हमेशा याद रखनी है. आप इसको ओपन करोगे एफ इजक्ल टू माइनस के एक्स, क्या रहेगा? एफ इजक्ल टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, वेयर k is proportional, proportional, proportionality constant, which is known as,
विच इज नोन एज रिस्टोरिंग कॉन्स्टेंट। और क्या कहते हैं इसको, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। इन नामों से इसको जाना जाता है। अब एक सबसे पहला अच्छी बात यह है कि ये माइनस साइन का क्या डिनोट करता है। वे माइनस साइन सोच दैट, अगर आप यहाँ पे नोट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैं नोट में इसको लिखा रहा हूँ बेटा, नोट में मैं आपको बिल्कुल क्लियर लगा रहा हूँ। माइनस साइन हमारे पास में ये है नेगेटिव साइन शोज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हमारे पास में जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगा, वो अपोजिट लगेगा हमेशा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो आपने यहाँ तक इस तरीके से देखा, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। तो देखिए मैं इसको आगे करता हूँ, बड़ा ही अच्छा आर्टिकल है, याद रखना कंपटीशन के अंदर आ जाता है और आपके एग्ज़ाम में भी इसको पूछ लिया जाता है। तो आपके पास में अभी मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। मैंने अभी जस्ट कहा था कि बेटा रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। तो आपने इज इक्वल टू माइनस क्या लिख दिया, के एक्स इसको लिख दिया था। ठीक है, ये आगे हमारे पास में जैसे द फर्स्ट इक्वेशन। मैं कहता हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई फिजिक्स में मैंने आपको पढ़ाया था कि एफ इज इक्वल टू क्या रहता है, डीपी ओवर में क्या रहता है, डीटी रहता है। क्या रहता है, एफ इज इक्वल टू डीपी ओवर में डीटी। आपको पता है पी इज इक्वल टू क्या रहता है, एम वी रहता है, मास इंटू में वेलोसिटी। तो एफ इज इक्वल टू डी ओवर में क्या है गया, डीटी इंटू में एम वी। एम इज अ कॉन्स्टेंट, तो आप इस तरीके से लिखते तो डी वी ओवर में डीटी। और आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन क्या होता था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया था एफ इज इक्वल टू एम ए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। ये क्या रहेगी हमारे पास में, इक्वेशन टू रहेगी। यहाँ तक एफ इज इक्वल टू क्या रहेगी हमारे पास में, एम ए। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, जब आप इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को देखोगे तो आपको पता है कि दोनों एफ बराबर हैं, तो एम ए किसके बराबर रह जाएगा, माइनस के एक्स। ओके, अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो के अपॉन में एम इन टू में क्या रहेगा, एक्स। तो ये जो क्वांटिटी है स्प्रिंग कांस्टेंट और एम क्या चीज़ है, मास ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ए क्या है हमारे पास में, ए है एक्सेलरेशन। क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, ये आपको पता होना चाहिए, पार्टिकल। ओके, के क्या चीज़ है बेटा, ये है हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट। ओके, एम क्या चीज़ है, मास ऑफ अ पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल ही क्या कर रहा था, अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन, यही तो था अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, दिस इज द के। के क्या था हमारे पास में, ये था स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। मैंने सारी चीज़ आपको यहाँ पर बता दी है कि कौन सी चीज़ क्या है। माइनस साइन सोच दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये कह दिया दिस क्वांटिटी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मैंने क्या कह दिया, कॉन्स्टेंट कह दिया। क्या गया, कॉन्स्टेंट। तो ए जो है एक्सेलरेशन
ऑलवेज क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन शो हो जाती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। क्या हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या हो जाती है, एक इक्वेशन शो हो जाती है कि जो हमारे पास में ए है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। क्या है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं इसके एग्जाम्पल लिखवाता हूँ। क्या लिखवाता हूँ बेटा, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं कहता हूँ ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, किसकी मैं बात करता हूँ, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड, लोडेड स्प्रिंग, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या चीज़ है, ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। जो हमारे पास में कोई भी लोडेड स्प्रिंग है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्या है, एग्जांपल। लोडेड स्प्रिंग मींस अगर कोई भी स्प्रिंग है, अगर आप उसके नीचे कोई भी क्या कर देते हैं, एक कॉर्नर पर को फिक्स कर दीजिए, दूसरे कॉर्नर को क्या कर दीजिए, आप उस पर कोई वेट लटका दीजिए या वेट लगा दीजिए, तो वो स्प्रिंग क्या होगी, इस तरीके से हमारे पास में क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। तो यही है ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, दिस इज द फर्स्ट। दूसरा है वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क, फोर्क्स। ठीक है, आपने इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। ट्यूनिंग फोर्क में क्या है, एक रबड़ के सा होता है, और जब भी हम उसमें दो इस वाई टाइप में एक स्प्रिंग होती है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जैसे ही हम उसको इस तरीके से करते हैं तो वो वाइब्रेशन करती रहती है। तो ये सारे चीज़ आपकी क्या है, एग्जाम्पल हैं, दिखाई दे रहा है ना, यस। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूँ तो ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड डिड मैग्नेट, मैग्नेट ठीक है, इन यूनिफॉर्म फॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। जब आप किसी भी फील्ड, ठीक है, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला क्या है, ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ अ ट्यूनिंग फोर, ऑसिलेशन ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब मैं बात कराता हूँ आपको इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में, कि वॉट इज़ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में देखिए कि कौन कौन से हमारे वो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। बहुत दिन के बाद में आज लेक्चर डिलीवर हुआ है, सभी ने अच्छी तरीके से दीपावली को सेलिब्रेट किया होगा। मैं बात करता हूँ इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या चीज़ है, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ, एस एच एम लिख दूँ, SHM, ठीक है। तो देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। अब मैं वो सारी चीज बता रहा हूं जो अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कौन कौन से पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके फीचर्स मैं आपको कराता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज पेरियोडिक। पहला पॉइंट देखिए, ये कहता है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज पेरियोडिक, पेरियोडिक, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड मैं बात करता हूँ द मोशन ऑफ द पार्टिकल, या कहता हूँ द पार्टिकल ऑसिलेट, द पार्टिकल, पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड टू, बैक एंड फोर्थ कह लो, टू एंड फ्रो कह लो, आपकी बात बैक एंड फोर्थ लिख लेते हैं। ठीक है, बैक एंड एफ ओ आर टी एस फोर्थ, अबाउट, अबाउट मेन पोजीशन,
और मेन पोजीशन को इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हैं, विद कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ठीक है, एंड फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास में क्या रहेगा, इसका एग्जांपल रहेगा। तीसरा केस क्या रहेगा, रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये आप शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो, इट्स डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मेन पोजीशन, ये हमारे पास में है। नेक्स्ट हमारे पास में द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आर ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट, क्या रहेगा, अपोजिट टू द इंक्रीज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये नेगेटिव साइन की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, नेगेटिव साइन की बात कर रहा था, क्या कर रहा था, क्योंकि यही तो होता है हमारे पास में कि एफ जो था हमारे पास में माइनस के एक्स, ये बात कर रहा था ठीक है, एफ इजक्वल टू माइनस के एस। तो ये कहता है द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और ऑलवेज अपोजिट टू किसके, द इंक्रीज इन द इंक्रीज इन इट्स डिस्प्लेसमेंट, जब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। भाई जब आप किसी भी स्प्रिंग पर कोई वेट लगाओगे तो स्प्रिंग क्या होगी, हमारे पास में इंक्रीज ही तो होगी, द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इंक्रीजेज। अगर मैं बात करता हूँ फोर्थ केस की, मैं बात करता फोर्थ हो गया, फिफ्थ की मैं बात करता हूँ, सॉरी फिफ्थ की बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ये कह दिया एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन एल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ सिंपल सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, मोनिक फंक्शन ऑफ शाइन एंड कुशाइन, कुशाइन ये याद रखने हैं। अ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल फंक्शन, सिंपल सिंगल हार्मोनिक फंक्शन, कौन कौन सा फंक्शन हो सकता है, या तो हो सकता है आपका साइन फंक्शन हो सकता है या कोसाइन फंक्शन हो सकता है, दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स। आपको क्या होंगे, ये हमारे पास में क्या रहेंगे, इम्पोर्टेंट फीचर रहेंगे। अब हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब मैं आपको बात कराता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन की, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम। तो ये हमारे पास में इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करता हूँ, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं बात करता हूँ। तो आपको पता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहता है, डिस्प्लेसमेंट, प्लेस
मेंट। ओके, आप इसको कैसे लिखते हो? एफ इजक्वल टू, हमारे पास में एफ इजक्वल टू, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या लिख दिया? एक्स लिख दिया, तो एफ इजक्वल टू माइनस के एक्स लिखोगे। क्या लिखोगे? एफ इजक्वल टू के एक्स। दिस इज द फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, माइनस के एक्स, ये है हमारे पास में फर्स्ट। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए, है ना। तो ये आ गया, अगर मैं इसको यहाँ पे करना चाहूँ, चलो इसको ना यहाँ कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, एक ही उसमें लेके आने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ से कर देते हैं, इसके दो पार्ट बना लेता हूँ मैं जिससे कोई गड़बड़ ना हो। ये एक पार्ट हो जाएगा, ये भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा था मैं रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट के। मैं ये कह रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स था, तो एफ इजक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। मैं फिर क्या कह रहा हूँ? अकॉर्डिंग टू वही न्यूटन्स, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ मोशन, मोशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या था? एफ इजक्वल टू एम ए, ये लगाते थे जो अभी आपको पता है, और ए पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्या होता है? ए एक्सेलरेशन को कहते हैं डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर, ठीक है। आपको पता होगा ये किस तरीके से, अगर नहीं पता तो चलो मैं इसको फुली फॉर्म में कर देता हूँ जिससे आपको पता हो। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है? आपको पता है एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर में क्या रहता है? डी टी रहता है। F इज इक्वल टू पी को तोड़ दिया, यहाँ पर देखिए वेयर पी, पी मैं ये लिख रहा हूँ, पी इज इक्वल टू क्या रहता बेटा? एम वी रहता है, तो ये रहेगा एम डी वी ओवर में डी टी। आपको पता है V क्या रहता है? डी आर ओवर में क्या रहता है? डी टी रहता है। तो F इज इक्वल टू एम डी ओवर में डी टी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? डी आर ओवर में डी टी। तो आपको पता हो गया F इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दिस इज द इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो हमारे पास में एम डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन में एम एक्स, ये हमारे पास में क्या आ जाता है? एक इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पे देखिए इसको क्या आ जाती है, ये एक इक्वेशन आ जाती है। इसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, याद रखना। और आपको क्या लिखना है यहाँ पे? वेयर वेयर माइनस के अपॉन में एम इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा क्या चीज़ है? वेयर ओमेगा है हमारे पास में एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्या चीज़ है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन हो जाएगी डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, सॉरी माइनस को रहना के ओवर में, ओनली के ओवर में, तो माइनस क्या जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको आप ऐसे लिख दिया डी स्क्वायर आर ओवर में डी टी स्क्वायर, इधर ले आइए, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लिख दीजिए दिस इज डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या रहेगा ये केस हमारे पास में? इस तरीके से रहेगा। तो ये इस इक्वेशन को मैंने क्या डाल दिया? इक्वेशन स्टार। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार, नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन स्टार, तो हमारे पास में क्या रहेगा? अगर मैं इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, तो मैं इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए क्या रहेगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई।
क्या रहेगा हमारे पास में, कि इसका अगर जनरल सॉल्यूशन रहेगा ऑफ इक्वेशन स्टार का, तो x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस क्या रहेगा हमारे पास में बेटा, फाई, ये x की वैल्यू है। अगर इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, मैं मान लेता हूँ कि अगर इसका ये सॉल्यूशन नहीं है, तो देखो हम इसका सॉल्यूशन करके यही इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या काम किया, आपने ये इक्वेशन मान ली p है, तो इक्वेशन p को आपने डिफरेंशिएट कर दिया डी एक्स ओवर में dt, तो हमारे पास में ये क्या आएगा, ये आएगा a साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस ये होता है साइन होता है, साइन ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है, और क्या होता है माइनस रहता है इनटू में आप करोगे किसका ओमेगा टी का, तो यहाँ आ जाएगा क्या ओमेगा, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन। ऐसे ही आप अगेन करो तो डी स्क्वायर एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर हमेशा क्या आ जाएगा ए माइनस ए साइन का क्या हो गया कॉस, तो कॉस ओमेगा टी प्लस फाई और इनटू में ओमेगा पहले ही है और ओमेगा स्क्वायर फिर इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा ये आ जाएगा। तो अगर मैं जनरल केस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो देखो इसके बराबर क्या माने था, ये एक्स ही तो है, ये एक्स ही तो है, तो ये x है तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, कहाँ लिखूँ इसको, यहाँ लिख देता हूँ है यहाँ, तो d स्क्वायर x ओवर में डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस ओमेगा, क्या रहेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये पूरी a cos ओमेगा t प्लस फाइव किसके बराबर है, x के बराबर है, ठीक है। और आप इसको लिख सकते हैं डी एक्स ओवर में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, आ गया पता हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्या रह जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ तक किसी को हो तो डाउट पूछिए, ठीक है। तो इस तरीके से यस, मैं एक चीज़ कह रहा था इसको फाई नॉट मान लीजिए, ठीक है, क्या है फाई नॉट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगर वेयर ए क्या चीज़ है, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए क्या चीज़ है एम्पलीट्यूड है, और फाई नॉट इज द इनिशियल फेज एट टी इक्वल टू जीरो, जब हमारे पास में टी नॉट क्या रहेगा, टी क्या रहेगा जीरो रहेगा, तो हमारे पास में क्या आएगा इनिशियल फेज क्या आएगा टी, ये आएगा हमारे पास में फाई नॉट। और ओमेगा टी प्लस फाई नॉट हमने मान लिया था कि जो फाई है वो किसके बराबर, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड इसको क्या कहेंगे फेज कहेंगे, फेज फेज ऑफ आ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ऑसिलेटिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सारी चीज़ याद रखना, आज की इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कराया है व्हाट इज़ द पेरियोडिक मोशन, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड या पीरियड टाइम की मैं बात करता हूँ, उसके बाद में मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया है, उसके बाद में मैंने आपको इम्पोर्टेंट फीचर्स के बारे में बताया, और लास्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल हार्मोनिक इक्वेशन, या मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिख दिया, दिस इज डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल हार्मोनिक इक्वेशन, दिस इज सेकंड ऑर्डर ऑर्डर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, डिफरेंशियल ऑर्डर ऑफ सेकेंड डिग्री, यही है ना सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, ये याद रखना SHM, ऐसे भी कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे इसके और पार्ट में कि वेलोसिटी क्या होती है इन टर्म्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, उनके बेस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।